विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के 132वीं जयंती पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने द पूमा रेलवे के द्वारा रविवार को इंस्टीट्यूट बिलासपुर में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि पामगढ़ के विधायक इंदु बंजारे जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभात पासवान जोनल सेक्रेटरी के द्वारा की गई, जिसमें रेलवे के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने परिवार के साथ में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया, जिसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया व कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। पामगढ़ विधायक श्रीमती इंदु बंजारे ने इस अवसर पर कहा कि रेलवे कर्मचारियों में बाबा साहब के प्रति सम्मान देकर खुशी हुई। बाबा साहब ने पूरे भारत देश में जन्मे सभी को मान सम्मान दिलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी माता ने कंडे बेचकर उन्हें विदेश भेजकर पढ़ाया था। बहुसंख्यक समाज को सम्मान दिलाने अपनी पत्नी माँ बच्चे को भी उन्होंने त्याग दिया। आज मैं जो विधायक हूँ वह बाबा साहब जी के कारण ही हूँ। बाबा साहब का बचपन बहुत संघर्षमयी रहा। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें उच्च वर्ग के बच्चों की चप्पल रखने की जगह पर बैठाया जाता था। एक बार बारिश में जब किसी घर की दीवार में चिपक कर अपनी किताबें को बारिश से बचने की कोशिश की तो घर मालिक ने उसे वहां से भगाकर कीचड़ में फेंक दिया, जिसके बाद अम्बेडकर जी ने प्रण लिया कि वह उसके शिक्षा प्राप्त कर देश से जाति पाति छुआछूत को दूर करेंगे। वह सभी वर्गों को एक समान बनाएंगे। कभी समाज गले में मटकी और कमर में झाड़ू पहनकर घूमते थे, लेकिन बाबा ने कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारे गले में मटकी की जगह टाई और कमर में झाड़ू की जगह बेल्ट पहनाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सब जो भी हैं बाबा साहब के सिद्धांत के बदौलत बने हुए हैं, इसलिए समाज के प्रति भी आपकी जवाबदारी है कि समाज को अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चढ़ने की मार्ग दिखाएं। आज के कार्यक्रम ऐसा महामानव का कार्यक्रम है, जैसा आपने 14 अप्रैल को भी देखा था कि मैंने मानवता के कार्य के लिए सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का काम किया था, उसी तरह बाबा साहब का ये पूरे जोनल स्तर पर होता है, जिसमें GM साहब DRM साहब सब आते हैं और उपस्थित होते हैं। इसी बीच में हमारे शॉर्ट टाइम में पामगढ़ की विधायिका मैडम इंदु बंजारे जी भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार की और यहाँ आए और ऐसे महामानव का जन्मदिन में शामिल हुए, जिनकी गाथा पूरे भारत में नहीं विश्व में गाया जाता है। भारत वर्ष में इनकी जयंती मनाते हैं और पूरे करीब करीब 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। मैं महामानव का आभारी हूँ जिन्होंने नारी हो या दबे कुचले हों, जितने भी भारत की जो ढांचा है, मेन भारत की जो ढांचा एक मकान बनता है ईंट सीमेंट मिला करके मिट्टी मिला करके, तो भारत की जो ढांचा है वो बाबा साहेब की ही देन है। जैसा हमारी पूर्व सारी वक्ताओं ने बोला कि अपने में उसको समाहित रखा है, लेकिन बाबा साहब ऐसा बिल्कुल नहीं थे। भारत की जो ढांचा है, नीम है, जो छत है खड़ा है, वो बाबा साहब की बदौलत है। इसीलिए मैंने इनकी आज पूरे जोनल नागपुर मंडल से, रायपुर मंडल से, WRS मोतीबाग से, बिलासपुर से सारे कार्यकर्ता और हमारे ब्रांच सारे ब्रांच के लोग उपस्थित हुए हैं ऐसे महामानव का जन्मदिन मनाने के लिए और इनके विचारों पर चलने के लिए। आपका परिचय देंगे? मैं SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ, बिलासपुर जोन का। जी, आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 132वीं जयंती का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब के मिशनों को याद किया गया, उनके विचारों को याद किया गया और ये प्रण भी लिया गया कि हम हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलेंगे, उनके लिखित संविधान की रक्षा करेंगे और उनके मिशन को पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये देखने को बहुत अच्छे से मिला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो इस परिकल्प में आज हमारे जो ST/ST के जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने विपरीत ही दिया कि आज वही कर्मचारी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को समझ कर उनके जयंती का आयोजन कर रहे हैं और जगह जगह उनके विचारधारा को फैलाने का भी कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।